हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लेकर आ गए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सेल रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जो मिनिमम है 10th पास और साथ ही ITI अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से ही, और फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई वो 15 अक्टूबर तक रखी गई, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो 1697 इसमें पद रखे गए हैं। और दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि एज लिमिट क्या है, इसमें आपकी जो स्टिपेंड यानी सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी, साथ ही इसका जो ऑनलाइन फॉर्म की फीस रखी गई वो क्या है, एडवाइस वैकेंसी कितनी रखी गई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट अब वहाँ से आप ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो हमारे द्वारा वहीं डाल दिए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नवाब यूसुफ रोड वाल्मीकि चौराहा सिविल लाइन्स प्रयागराज, और यहाँ का एड्रेस दिया गया है। इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन, जो कि RRC NCR एक्ट अप्रेंटिसशिप 1/2024 डेटेड 14/9/2024 को जारी किया गया है। इसकी ओपनिंग डेट की बात करें दोस्तों तो 16/9/2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2024 तक क्लोजिंग डेट रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें आगे इंपॉर्टेंट दिया गया है तो उसको हम देख लेते हैं। प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द RRC NCR वेबसाइट www.rrcpryj.org। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है, और इसमें बताया जा रहा है कि आपको सारा इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसको पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। फिर दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेलर टू सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू हैवी लोड जाम एंड वेबसाइट। यानी कि दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपको सब पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहे कि लास्ट डेट में आपका फॉर्म सबमिट ना हो, फेल हो जाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम में हैवी लोड और जाम हो जाता है वेबसाइट पे, इसलिए। उसके बाद इसमें आगे है कि केस द एप्लीकेंट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही सी शुड क्रिएट हिज हर ओन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों, आपको अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपके पास अगर पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आपको एक ईमेल आईडी बनाना है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो इसमें लगेगी। द्वारा ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आपसे इन्होंने ईमेल आईडी के लिए बोला है। उसके फिर इसमें आगे है, एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली ऑन RRC वेबसाइट। आपको जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो RRC की वेबसाइट पे ही सबमिट करना है, www.rrcpryj.org के माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसी के माध्यम से फॉर्म जो है सबमिट भी करना है। उसके बाद इसमें आगे है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 18,000 से 56,900, यानी कि आपकी जो लेवल 1 की पोस्ट रहेगी ग्रुप डी वगैरह, वो वैकेंसी डायरेक्ट जब रिक्रूटमेंट होती है जो NTPC के थ्रू होती है साथियों, तो उसमें आपको अगर आपने यहाँ से ये अप्रेंटिसशिप की है तो आपको 20% जो है कोटा इसमें दिया जाएगा उस वैकेंसी के लिए। फिर इसमें आगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर इंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसेस अगेंस्ट द 1679 स्लॉट्स नोटिफाइड ट्रेनिंग इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट। फिर दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है डिवीजन वाइज वर्कशॉप कहाँ कहाँ है, झांसी वर्कशॉप, ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। जो ईयर है 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप का, वही बताया गया है। फिर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या दी गई वो हम देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज क्राइटेरिया एज ऑन, यानी कि जो एज लिमिट है इसमें आपकी, वो 15/10/2024 से क्लोजिंग रहेगी, और वही आपकी लास्ट एज मतलब एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो 15/10/2024 तक की जाएगी। फिर इसमें आगे है, द एप्लीकेंट शुड हैव कम्प्लीटेड 15 ईयर्स, यानी 15/10/2024 तक आपकी जो एज है 15 साल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो एज रखी वो 24 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ST SC OBC के लिए, तो इसमें ST SC जो कैटेगरी के हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी ST SC के जो कैंडिडेट हैं, और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी PW
जी कैंडिडेट जो हैं उनको 10 ईयर्स की एज में लिमिट में छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन जो हैं इनके लिए भी एज रिलैक्सेशन में 10 साल की छूट दी जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल और जो एसटीएससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 15 साल की एज में छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में आगे बताया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बता देते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो वो देख लेते हैं। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट इशू, यानी कि आपको 14/9/2024 तक आपको जो इसमें मांगा गया है 10th 12th ITI, तो ये आपके पास पास ऑलरेडी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आगे दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड SSC मेट्रिकुलेशन 10th क्लास आप पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर 10th क्लास पास हैं या फिर 12th पास हैं जिसमें 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से, और साथ ही ITI पास हो रिलेवेंट ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से आपका जो है ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, NCVT SCVT का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें आगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT SCVT इज कंपल्सरी इज रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर, यानी कि आपको कंपलसरी है आपके पास SCVT और NCVT से सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर इसमें आगे दिया गया है, इसमें ट्रेड वाइज ये सारा डिटेल दिया गया है किस स्टेट से वैकेंसी है और किस किस स्टेट के है। अब हम आगे देख लेते हैं, द एप्लीकेंट्स हुज SSC मेट्रिकुलेशन 10th एंड ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफाइड 14/9/2024 आर नॉट, यानी कि अगर आपका 10th या ITI का रिजल्ट 14/9/2024 के बाद का है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका जिसमें अगला है, द एप्लीकेंट्स फेल्ड इन ITI शुड नॉट अप्लाई इन केस एनी फेल्ड एप्लीकेंट्स इज इंगेज, इसमें बताया गया है कि अगर ITI में आप फेल हैं तो जो एप्लीकेंट्स अगर फेल है ITI में तो वो लोग इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ फीस, फीस की बात कर लेते हैं कितना क्या रखा गया है। तो एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपये रखी गई है जनरल OBC EWS कैंडिडेट से जो कि नॉन रिफंडेबल है, वहीं कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा ST SC PWD वोमेन जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनसे कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा। फिर आगे है, फीस पेमेंट विल हैव टू बी ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एज अंडर, यानी कि जो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप ऑनलाइन के माध्यम से फीस पेमेंट करनी है आपको। कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल रिस्पेक्ट 8RRC NCR वेबसाइट, जो आपको फॉर्म जो है कंप्लीट पूरी तरह से भरना है तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू भरा जाएगा www.RRCPRYJ.org, ठीक है साथियों। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें बताया है कि आपकी जो फीस की पेमेंट है वो साथियों आप यूजिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आस्क द स्क्रीन ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट इफ एनी विल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, यानी किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे, वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन एप्लीकेंट्स विल बी रिडायरेक्ट टू RRC NCR वेबसाइट, कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डाउनलोड द एप्लीकेंट, क्या दिया गया है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो कि दी गई ये हम देख लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस करवाएंगे। तो यहाँ दिया गया है, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पोर्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपके परसेंटेज मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर इसमें आगे दिए गए, वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द एप्लीकेंट्स इन बोथ मेट्रिकुलेशन, आपके मेट्रिकुलेशन का परसेंटेज मिनिमम जो 50% होना चाहिए, साथ ही ITI का जो आपका परसेंटेज रहेगा टोटल उनको मिला के जो परसेंटेज निकलेगा उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स दस इनलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट, जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक्सटेंड 1.5 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज के लिए किया जाएगा। उसका जिसमें आगे है, इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट्स, यानी कि दो लोगों का अगर सेम मार्क्स हो जाता है तो इसमें जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको प्राथमिकता यानी चांस उसको दिया जाएगा पहले। फिर दोस्तों इसमें आगे, दे आर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और बाई बाई, इसमें कोई भी रिटर्न टेस्ट और बाई बाई वगैरह नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें इसमें क्या होगी, तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज आपकी बनाई जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, तो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स दोस्तों हमने जो आपको RRC कोलकाता के बारे में बताया था सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी रखी गई कैलकुलेशन की, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हो क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, अगर हम पूरा एक एक चीज़ बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है, मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ दिए गए वो हम बता देते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग www.RRCPRYJ.org के माध्यम से आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म अपना
अप्लाई करना है। फिर दोस्तों आगे एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिलअप द पर्सनल डिटेल्स, आधार नंबर, आपको अपने इसमें पर्सनल डिटेल डालना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, मार्क्स डालना है, CGPA का मार्क्स डालना है अगर है तो, फिर परफॉर्मेंस फॉर डिविजन्स डालना है, वर्कशॉप डालना है, ट्रेड डालना है, ETC, ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली तरीके से आपको सारा चीज़ एप्लीकेशन में भरना है और फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द एप्लीकेंट्स विल बी डिस्क्वालीफाइड समरली, आपको अपना सारा चीज़ सही सही डालना है ऑनलाइन फॉर्म में, जो चीज़ आपने ऑनलाइन में अप्लाई किया है जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे होने चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, क्या क्या लगेगा आपका, तो ये सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं। यहाँ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यानी कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ बताया गया है सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, आपके जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। सबसे पहला सर्टिफिकेट है टेंथ, यानी आपका टेंथ का जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो साइज दी गई है साथियों, तो आपकी 50 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम रखी गई है, इससे 50 KB से कम की आपकी PDF नहीं होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा की भी PDF नहीं होनी चाहिए। तब आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट की PDF जो है सेम साइज में बना लेनी है, पहले 50 KB से 200 KB के बीच, फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सब में नाम भी लिख देना है, क्योंकि फिर मिस्टेक हो जाता है, 12th की जगह 10th और 10th की जगह 12th ना अपलोड हो, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट का आपको प्रॉपर नाम भी लिख देना है, 10th की मार्कशीट, 12th की, फिर आपको अपलोड करना है। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्कैन 10th, यानी 10th की मार्कशीट या आपको जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होती है वो आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, यानी कि आपको जो ITI की आपकी मार्कशीट है सभी सेमेस्टर की, वो भी आपको यहाँ लगाना है स्कैन करके। ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स, इसको भी आपको स्कैन करके लगाना है। उसके बाद आगे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT SCVT, ये भी आपको स्कैन करके लगाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट ST ST OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है, तो आपको ये भी अपना स्कैन करके लगाना है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, PWD कैंडिडेट हैं, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लगाना है। और साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो जो लगाएंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा तो आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है साथियों, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। तो इसमें डिस्चार्ज यानी कि एक सर्विसमैन है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट टू नोट दैट रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल SSC मेट्रिकुलेशन 10th पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT द मार्कशीट ST, फिर इसमें वही सारा चीज़ प्रॉपर बता दिया गया है डिटेल में कि ये सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आपको ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आपको लेके आना रहेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें आपकी फोटोग्राफ की जो साइज़ है उसकी जो साइज़ दी गई 20 KB से 70 KB के बीच होनी चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर की साइज़ है वो 20 से 30 KB के बीच होनी चाहिए, यानी फोटोग्राफ आपकी जो पासपोर्ट फोटो लगेगी तो मिनिमम जो साइज़ है 20 KB की हो, और जो मैक्सिमम साइज़ है 70 KB की हो, इससे ज़्यादा की नहीं। और सिग्नेचर की बात करें तो 20 KB मिनिमम हो और मैक्सिमम जो है इसमें 30 KB की होनी चाहिए, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आप ये सारा चीज़ आप जो फॉर्म है अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे स्लॉट फॉर द ईयर 2024-25 के लिए वैकेंसी दी गई है, प्रयागराज डिवीजन से कितनी है, यहाँ फिटर वालों के लिए, टेक वेल्डर के लिए, तो ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है, टोटल भी दिया गया है। फिर इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ नीचे दिए गए, प्रयागराज डिवीजन के लिए। उसके बाद इसमें आगे झांसी डिवीजन के लिए, फिर दोस्तों वर्कशॉप झांसी के लिए दिया गया है, फिर आगरा डिवीजन के लिए भी दिया गया है। तो ये सारा चीज़ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सभी के लिए कैटेगरी वाइज और साथ साथ ही ट्रेड वाइज इसमें वैकेंसी डिटेल में दी गई है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर ये देखना है तो आप लोग ये देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। उसके बाद ये फॉर्म के बारे में आपको जो सर्टिफिकेट लगता है, जो OBC सर्टिफिकेट ST SC, तो ये सारा फॉर्मेट भी यहाँ नीचे डिक्लेरेशन वगैरह दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं चाहे तो इस PDF की, या तो आपको डाउनलोड करना है तो जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहाँ से भी आप ये फॉर्म डाउनलोड या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म तो जो है वो आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।